चंडीगढ़ में होगा विशाल निरंकारी समागम। सेक्टर 34 मेला ग्राउंड में 22 अक्टूबर को समारोह, तैयारियां शुरू। चंडीगढ़ में निरंकारी समागम होने जा रहा है। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता की छत्र छाया में 20 अक्टूबर रविवार ये समागम होगा। हिसार के गांव बुगाना में युवक की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों ने किया हिसार चंडीगढ़ रोड जाम। हिसार के नजदीक गांव बुगाना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया, जिसके चलते उन्होंने गांव बहवलपुर के पास हिसार चंडीगढ़ रोड को जाम कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीजीआई में हड़ताल खत्म, काम पर लौटे अनुबंधकर्मी। अनुबंधकर्मियों की 7 दिन से जारी हड़ताल पर हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पताल अनिवार्य क्षेत्र है और उसके कर्मचारी सेवा विवाद के चलते काम से गैर मौजूद नहीं रह सकते। इससे पीजीआई की स्वच्छता और सफाई व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। बहादुरगढ़ के HSIDC सेक्टर 16 में 4 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, अफरा तफरी का माहौल बना। बहादुरगढ़ में 4 फैक्ट्रियों में आग लगने से काफी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। वहीं लोगों में आग में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। चंडीगढ़ में NDA घटक दलों की बैठक, ललित होटल पहुंचे PM मोदी और नायब सैनिंग। हरियाणा में तीसरी बार जीत के बाद NDA की ये बड़ी बैठक। इंडिया गठबंधन के नेता एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर एकजुटता का संदेश दे चुके हैं। ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नायब सैनी कैबिनेट में नए से लेकर पुराने चेहरों का संगम, जाने किस किस को मिली कुर्सी। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है। पंचकुला में आयोजित समारोह में CM नायब सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। इस दौरान PM नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। मनोहर लाल के करीबी राजेश नागर को मिला मंत्री पद, दूसरी बार बने हैं विधायक। राजेश नागर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के करीबी माने जाते हैं। वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ललित नागर से हार गए थे। वर्ष 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। आरती ने पहली बार अटेली से चुनाव लड़ा, जीत दर्ज कर पहुंची विधानसभा। जाने राजनीतिक सफर आरती राव के परिवार का राजनीतिक से गहरा जुड़ाव रहा है। परिवार से दादा व पिता कांग्रेस और भाजपा दोनों की पार्टियों के बैनर तले दक्षिण हरियाणा की राजनीति करते नजर आए हैं। अब आरती राव ने बसपा के प्रत्याशी ठाकुर अतरलाल को 3000 मतों से शिकस्त दी है। तो शाम में पहली बार कमल खिलने वाली श्रुति चौधरी बनी मंत्री। परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया मंत्री श्रुति चौधरी 2005 में अपने पिता सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद राजनीति सक्रिय हुई थी, जिन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में तो शाम से पहली बार कमल खिलाया और परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। सैनी सरकार में कृष्ण कुमार बेदी बने मंत्री, पूर्व CM मनोहर के रह चुके हैं राजनीतिक सचिव। कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत का परचम लहराया। कृष्ण कुमार बेदी पिछले 20 वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं। वहीं कृष्ण कुमार बेदी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव भी रह चुके हैं।